दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जिसमें टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां शादी कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं। जी हां, जैसे श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर 2021 को नेवी ऑफिसर राहुल नागर से शादी रचाई थी, वहीं इनके बाद टीवी इंडस्ट्री की और भी कई अभिनेत्रियों को दुल्हन के लिबास में देखा गया, जिनमें अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी पीछे नहीं रही, जिन्होंने भी 12 दिसंबर को बिजनेसमैन विकी जैन से शादी रचाकर अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर ली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के बाद टीवी इंडस्ट्री की 3 और अभिनेत्रियां भी दुल्हनिया बनने वाली है? तो आखिरकार वो 3 अभिनेत्रियां कौन है और कब शादी रचाने वाली हैं? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, करिश्मा तन्ना। इस लिस्ट की पहली कड़ी में नाम शुमार होता है अभिनेत्री करिश्मा तन्ना का, जो कयामत की रात सीरियल में गौरी के किरदार को निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। वहीं आपको बता दे, अभिनेत्री करिश्मा तन्ना भी साल 2022 के फरवरी महीने में दुल्हनिया बनने वाली हैं। जी हाँ, ये रियल एस्टेट बिजनेसमैन वरुण बांगोरा को रेट कर रही हैं। जी हाँ, ये रियल एस्टेट बिजनेसमैन वरुण बांगेरा को काफी समय से डेट कर रही थी। वही खबरें तो ये भी आई थी कि उनसे साल 2022 के फरवरी में शादी रचाने वाली है और इनकी शादी की रस्में 4 दिन तक चलने वाली हैं। इनकी शादी 5 फरवरी को मुंबई में होगी। वही कपल 6 फरवरी को अपने दोस्तों को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देने का प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दे, इनकी शादी में परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। नंबर 2, चाहत खन्ना। बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में अभिनेत्री चाहत खन्ना आकांक्षा जुनेजा के किरदार को निभाती नजर आई थी। वही आपको बता दे, चाहत खन्ना अभिनेता रोहन गंडोत्रा से प्यार का इजहार कर चुकी हैं और दोनों के इजहार इश्क के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों भी बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। वही चाहत के फैंस और दोस्त इनकी शादी की खबर को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि आखिरकार चाहत को उनका सच्चा प्यार मिल ही गया। आखिरकार इनकी 2 शादियां जो टूट चुकी हैं, तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी साल 2022 में दुल्हन के लिबास में नजर आ जाएंगी। नंबर 3, मोनी रॉय। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है नागिन के फर्स्ट और सेकंड सीजन में लीड रोल निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें बटोरने वाली अभिनेत्री मोनी रॉय का, जो भी आने वाले समय में बहुत ही जल्द अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार से शादी कर सकती हैं। खबरों के मुताबिक दोनों शादी के बंधन में जनवरी के महीने में बन सकते हैं। वही खबरें तो ये भी आ रही है कि मोनी रॉय 27 जनवरी को सूरज के साथ शादी के बंधन में बंधेगी, जिनकी शादी के पहले की रस्में 26 जनवरी से शुरू होंगी। वही खबरें ये भी आ रही हैं कि नागिन फेम एक्ट्रेस मोनी रॉय अपनी शादी डेस्टिनेशन जगह पर ग्रैंड तरीके से करने वाली हैं। वेल दोस्तों, आने वाले जनवरी और फरवरी के महीने में इन अभिनेत्रियों को आप दुल्हन के गेटअप में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।